हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंटर साइंस। देखो, हमने पिछले वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ा, और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है मेटल की, तो देखो अलग अलग मेटल की अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, अलग अलग मेटल अलग अलग तरह से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। कैसे, तो चलो देखते हैं। तो मेटल आर रिएक्टिव। अब देखो, मेटल रिएक्टिव होते मतलब क्या, कुछ मेटल बहुत विगरेसली रिएक्ट करते हैं अलग अलग एलिमेंट के साथ वगैरह, तो कुछ मेटल लेस रिएक्टिव होते हैं। अब ये जो रिएक्टिविटी है ना मेटल की, विच आर रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ओके, दैट मीन्स द मेजोरिटी ऑफ मेटल हैव अप टू 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। जैसे हम देते हैं एग्जाम्पल, हमने 3 मेटल का एग्जाम्पल लिया, जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है और तीसरा है सोडियम। तो देखो, जो मैग्नीशियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना आएगा, 2.8.2। वैसे ही जो एल्यूमिनियम है, सेकंड मेटल जो है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 13। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2.8.3। तीसरा जो एलिमेंट है वो है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2.8.1। ठीक, दैट मीन्स देखो ये तीनों भी जो मेटल है उनके आउटर मोस्ट शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स ज्यादा से ज्यादा जो मेटल है उनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें से मोस्ट रिएक्टिव कौन सा रहेगा, जिसके आउटर मोस्ट शेल में कम मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। मतलब इस तीनों में से ज्यादा मोर रिएक्टिव कौन सा है, तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। ओके, देन मेटल हैव टेंडेंसी टू लॉस देयर इलेक्ट्रॉन। अभी देखो, मेटल के पास क्या टेंडेंसी होती है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की। अभी ये इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करते हैं, तो उनको स्टेबल होना होता है। ओके, तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोडियम ने क्या किया, जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम जिसको बोलते हैं, इसको लूज करके इसने पॉजिटिव चार्ज फॉर्म किया। दैट मीन्स टू फॉर्म इज द पॉजिटिव चार्ज आए, दिस इज कॉल्ड एज कैटॉन। ओके, और उसी वजह से मेटल को इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोला जाता है। देन ट्राई दिस में हमें एक एक्टिविटी करनी है, क्या है, तो हमें वी नीड सम एप्रेटस। उसमें देखो हमें क्या चाहिए, टॉन्ग या स्पेचुला चाहिए, नाइफ चाहिए और उसके साथ हमें बर्नर भी चाहिए। चलो कुछ केमिकल्स भी हमें चाहिए। केमिकल में हमें कुछ मेटल के पीसे चाहिए। कौन सा मेटल, एक है एल्यूमिनियम, सेकंड वन इज कॉपर, थर्ड वन इज आयरन, उसके बाद चाहिए लेड, देन मैग्नीशियम, जिंक और सोडियम। इसमें से जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है सोडियम है, इसलिए जब सोडियम के साथ हम एक्टिविटी करते हैं तो बी केयरफुल। दे अभी प्रोसीजर में हमें क्या करना है, होल्ड ईच मेटल, मतलब जो हमने मेटल लिए थे ना उसमें से हर एक मेटल के साथ हमें क्या करना है, एक्टिविटी करना है। तो हमें जो हमने टोंग लिया था उसमें हमें हर मेटल को पकड़ के क्या करना है, बर्न करना है और द फ्लेम ऑफ बर्नर। अभी इस एक्टिविटी के ऊपर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये जो क्वेश्चन है, ये जो एक्टिविटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच मेटल कैच फायर रेडी, मतलब सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव मेटल कौन सा है। तो हमें मालूम है कि सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव मेटल कौन सा है, तो वो है सोडियम। अभी सोडियम को तो जलाना भी नहीं पड़ता, दिस रिएक्ट विगरसली विथ ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर के साथ भी क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो यहाँ से इसका आंसर क्या है, सोडियम। देन सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज द सरफेस ऑफ मेटल अपियर ऑन कैचिंग फायर,
मतलब जब ये बर्न होगा, जब इसका कम्बशन होगा, तो जो मेटल सरफेस है वो कैसे नजर आएगा? इसका आंसर सिंपल है, ब्लैकिश हो जाएगा, दैट इज ब्लैकिश ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। क्योंकि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म इट्स मेटल ऑक्साइड। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ फ्लेम व्हाइल द मेटल इज बर्निंग ऑन द फ्लेम। मतलब जब मेटल को हम बर्न करेंगे तो जो फ्लेम निकलेगी उस किस कलर की निकलेगी। तो चलो हमने क्या किया, अभी हमने डिफरेंट डिफरेंट मेटल लिए, तो डिफरेंट मेटल डिफरेंट कलर की फ्लेम क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। तो देखो एक कॉलम में हमने मेटल लिखा, तो दूसरे कॉलम में हमने फ्लेम लिखा। तो अभी देखो मेटल कौन सा है, सबसे पहला एल्यूमिनियम बर्न हुई व्हाइट फ्लेम। ठीक, देन जो कॉपर है, व्हेन कॉपर बर्न इट गिव्स ब्लूइश ग्रीन कलर फ्लेम। देन आयरन हमें ऑरेंज ब्राउन कलर की फ्लेम फ्लेम देता है। लीड गिव्स ग्रे व्हाइट कलर फ्लेम। मैग्नीशियम गिव्स ब्राइट व्हाइट कलर फ्लेम। देखो तुम लोगों ने दिवाली में मैग्नीशियम की रिबन जलाई है, तो जब वो मैग्नीशियम की रिबन जलती है ना, तो व्हाइट बिल्कुल ब्राइट व्हाइट कलर की फ्लेम हमें मिलती है। देन जिंक गिव ब्लूइश ग्रीन कलर फ्लेम, वेर एज सोडियम गिव्स येलो कलर फ्लेम। देन अभी हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल। अभी उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। सिंपली जनरली ख्याल में रखना कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड। दैट मीन्स अभी देखो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ना, दिस वन इज बेसिक इन नेचर। अभी ये बेसिक नेचर क्यों होते हैं, बिकॉज व्हेन दिस मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूटेड एसिड इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, एंड दैट्स व्हाई मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। चलो अभी जो हमने जो कुछ मेटल है, कुछ मेटल ऐसे होते हैं मोर रिएक्टिव है, जो रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पे होते हैं, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, दीज आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो ये कैसे रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, चलो देखते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल। अभी जब सोडियम रिएक्ट करेगा, व्हेन सोडियम मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन इट गिव्स सोडियम ऑक्साइड। अभी ये क्या करता है, सोडियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। देखो दिस वन इज बैलेंस इक्वेशन। अभी ये बैलेंस इक्वेशन तुम लोगों ने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है, इक्वेशन कैसे बैलेंस की जाती है, तो दिस वन इज बैलेंस इक्वेशन। देन ऑन एक्सपोज टू एयर सोडियम रिएक्ट रेडिली कैच फायर। अभी ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, मेटल है, और दिस वन इज रिएक्ट विगरसली विथ ऑक्सीजन। ये बहुत जल्दी रिएक्ट करता है एंड विथ कैच फायर, ये कैच फायर करता है। अब देखो इसको पानी में भी नहीं रख सकते हैं, बिकॉज इट रिएक्ट विगरसली विथ वाटर, इट रिएक्ट विथ एयर ऑल्सो। ओके, तो फिर इसको टू अवॉइड दिस एक्सीडेंट, अभी जब इसको बाहर निकाले तो भी ये जलता है, पानी में रहता तो भी चलता है, लेकिन तो हमें तो इसको स्टोर करना है ना। फिर किस में स्टोर किया जाता है, टू अवॉइड द एक्सीडेंट स्टोर ये केरोसिन, क्योंकि ये केरोसिन के साथ रिएक्ट नहीं करता, और इसी वजह से सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, स्टोर किया जाता है ये लेवेंट। देन ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल आर सोल्युबल इन वाटर। जैसे सभी मेटल के ऑक्साइड, दैट इज ऑल मेटल ऑक्साइड आर नॉट कंप्लीटली सोल्युबल इन वाटर, ओनली सम मेटल ऑक्साइड सोल्युबल इन वाटर। मतलब कौन से, जैसे ये जो है सोडियम ऑक्साइड, दिस रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रिएक्ट विद वाटर, दैट मीन्स दिस सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर एंड टू फॉर्म अल्कली। अब देखो यहाँ अल्कली ये जो है नाम आया, ये जो वर्ड आया, व्हाट इज अल्कली। अभी अल्कली मतलब क्या, देखो अल्कली मतलब जो मेटल ऑक्साइड विच आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर, दिस इज कॉल्ड एज अल्कली। मतलब जो मेटल ऑक्साइड वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व या सोल्यूबल होता है ना, उसको ही अल्कली बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, एग्जाम्पल है अल्कली का। ओके, उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर। अगर हमने क्या किया, मैग्नीशियम की रिबन जलाई, तो जो रेसिड्यू फॉर्म होता है ना,
वो जो रेसिड्यू है तो उसका नाम क्या है, दैट इज सोडियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है, अब इसकी जो बैलेंस रिएक्शन रहेगी ये है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है विच इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर, क्योंकि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ना वो बेसिक नेचर के होते हैं, एंड दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एन अल्कली। मतलब इसका मतलब क्या कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑल्सो कम्प्लीटली सोल्यूबल इन वाटर। ये भी क्या होता है, कम्प्लीटली डिजॉल्व होता है वाटर में एंड ये अल्कली फॉर्म करता है। इसका नाम क्या होगा फिर ये प्रोडक्ट का, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दिस अल्कली दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अनादर अल्कली, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर के साथ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।